हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पर आते हैं। इधर हमें फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, जब आंसर्स लिखने हैं और फिर हमको एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इसको एक्सप्लेन भी करना है। आंसर तो देखो हमने लिख दिए इधर, आप देख लो। पहला वाला आंसर बडिन है, स्पेलिंग ऊपर से देख लो। सेकेंड वाला है माइकोटॉक्सिन, तीसरा वाला है राइबोसोम, ऊपर स्पेलिंग है, देख लो। यहाँ आपको शायद राइटिंग ना समझे, और जो आंसर हमने लिखे ना तीनों, अब इसको हमको एक्सप्लेन करना है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो आप ये वाला एक्सप्लेनेशन लिखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ माइक्रोब्स फाउंड इन द फॉलोइंग फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल में जो जो माइक्रोब्स फाइंड होते हैं वो लिखना है हमें, तो आप ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड आउट एंड से वाई इट इज द ऑड वन। ऑड वन को अंडरलाइन करना है और क्यों वो ऑड है वो भी आपको बताना है, तो अभी आंसर लिखेंगे तीनों के लिए। फोर्थ, गिव साइंटिफिक रीजन फॉर्म एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ दाल केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन समर, इसके लिए अभी आंसर लिखेंगे। वाई आर नेफ्थलीन्स बॉल केप्ट विथ क्लोथ टू बी पुट अवे, ये आंसर लिखिए। फिफ्थ, राइट डाउन द मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड द प्रिवेंशन मेजर अगेंस्ट फंगल डिसीज, ये आंसर लिखिए। मैन द पैर, करेक्ट आंसर हमने नंबर में लिखे है, मार्क भी किया हुआ है, आप लिख लो। सेवेंथ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए विच वैक्सीन आर गिवन टू इन्फेंट्स वाई, ये आंसर लिखिए। बी, हाउ इज अ वैक्सीन प्रोड्यूस, इसका आंसर ये है। हाउ डू एंटीबायोटिक्स क्योर डिसीजेस, ये आंसर लिखेंगे। डी, आर द एंटीबायोटिक्स गिवन टू ह्यूमन एंड एनिमल्स द सेम, वाई, ये आंसर है इसका। ई, वाई इज इट नेसेसरी टू सेफली स्टोर द पैथोजन ऑफ अ डिसीज अगेंस्ट विच वैक्सीन्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, इसके आंसर लिए ये आंसर लिखेंगे आप। एट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ए व्हाट आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसका आंसर ये है। व्हाट इज फर्मेंटेशन, ये लिखिए इसके लिए। सी, डिफाइंड एंटीबायोटिक, ये आंसर है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।